प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नॉमिनेशन एफिडेविट में जो जानकारी दी है, अब जरा उसके बारे में सुनिए। पब्लिक को ये सब भी तो चीजें दिखती हैं कि ये आदमी क्या देश के लिए कर रहा है और क्या अपने लिए कर रहा है। पीएम ने जो नॉमिनेशन भरा उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 52,000 रुपए कैश है, मात्र 52,000 रुपए कैश है उनके पास। पीएम मोदी के SBI में 2 बैंक खाते हैं, गांधीनगर के बैंक खाते में 73,304 रुपए जमा है और वाराणसी वाले खाते में मात्र 7,000 रुपए जमा है। SBI में ही पीएम मोदी की 2,85,60,338 रुपए की एक FD भी है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। पीएम के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं जिनकी कीमत 2,67,750 रुपए। पीएम मोदी की कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए। पीएम मोदी के पास ना तो कोई घर है ना ही कोई जमीन है, और ये जो सैलरी आई उस पर FD वगैरह किया जो हिसाब है उसी से जो पैसा बना वो है। पीएम मोदी के पास पहले गुजरात के गांधीनगर में एक प्लॉट था, लेकिन पीएम मोदी ने वो जमीन भी दान में दे दी है। इस प्लॉट पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। वाराणसी से इस बार पीएम मोदी की जीत का बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है, ऐसा टारगेट जो शायद कभी किसी नेता ने नहीं रखा। जैसे 400 पार सीटों का टारगेट है, उसी तरह से वाराणसी में पीएम मोदी की जीत के मार्जिन का टारगेट भी रखा गया। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 2 चुनाव में उनकी जीत का अंतर अगर आप देखेंगे कैसे नरेंद्र मोदी का टारगेट आगे बढ़ गया है। पीएम मोदी की जीत का मार्जिन देखिए, जीत का मार्जिन कैसे कैसे कितना कितना रहा है, काशी का आपको बता रहा हूं। 2014 में 3,71,000 वोट से जीते, 3,71,000 वोट, इतने तो कई लोगों को पढ़ते भी नहीं है वो। फिर 2019 में काशी से उनका कनेक्ट और बढ़ा, काशी के लोगों को पहले तो 2014 में लग रहा था कि ये कोई गुजरात से आदमी आया है, लेकिन मोदी की लहर थी तो जीत गए। 19 तक में काशी का कनेक्ट बन गया कि भाई ये आदमी तो आके विकास कर रहे हैं, ये तो काशी को पलट दिए, तो वोट भी बढ़ गया। जो मार्जिन था वो 4,79,000 वोट का हो गया, यानी 3,71,000 से 1,08,000 वोट ज्यादा जीत का मार्जिन सिर्फ बता रहा हूं। और 2024 के लिए टारगेट जो है, टारगेट कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 10 लाख तक ले जाना है कि नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोट पड़ गए। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत का सबसे बड़ा टारगेट तो रखा गया, लेकिन साथ ही साथ वाराणसी के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने का टारगेट भी तो है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का ही प्रभाव था कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को बंपर जीत मिली, क्योंकि 2009 के चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की 13 सीटों में 2 पर ही जीत पाई थी। यह हाल होता था बीजेपी का पूर्वांचल में, 13 में 2 जीतते थे ये लोग। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर पूर्वांचल में 13 में से 12 सीटें जीत ली इन लोगों ने, और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 13 में से 8 सीटें जीती। पिछली बार समाजवादी पार्टी और BSP का गठबंधन हुआ था जिसका पूर्वांचल में कुछ हद तक प्रभाव पड़ा, लेकिन इस बार यह गठबंधन भी नहीं है, इसलिए बीजेपी का टारगेट पूर्वांचल की 13 की 13 सीटें जीतने का है। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, यूपी में आखिरी 2 चरणों का जो चुनाव होगा उसमें कुल मिलाकर 27 सीटें हैं, और उन सभी सीटों पर वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने का असर पड़ता है। 25 मई को 6ठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान होगा, और 1 जून को जो लास्ट चरण की वोटिंग होगी उसमें यूपी की 13 सीटों पर वोट पड़ेगा। अब ये दोनों मिला दीजिए तो 27 सीटें होती हैं। 2014 के चुनाव में NDA को 27 में से 25 जीतने को मिल गई थी, 2019 में 27 में से 21 सीटें NDA को मिली थी। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार 2014 और 19 से भी बड़ी जीत पूर्वांचल के इलाके में हासिल की जाए और आखिरी 2 फेज में 27 की 27 सीट जीत ली जाए। बाकी बचे चरणों में NDA गठबंधन का पूरा सफाया करने के लिए आज पीएम मोदी के नामांकन में एक बड़ा खेल भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए ऐसे प्रस्तावक चुने गए जो इस चुनाव में NDA गठबंधन के सबसे बड़े नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के जो प्रस्तावक बने उनमें पहले प्रस्तावक हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले थे। दूसरे प्रस्तावक थे बैजनाथ पटेल, जो OBC समाज से हैं और संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। तीसरे प्रस्तावक थे लालचंद कुशवाहा, ये भी OBC समाज से आते हैं, ये BJP के पुराने कार्यकर्ता हैं, इनकी कुशवाहा समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है। और चौथे प्रस्तावक थे संजय सोनकर, जो दलित समाज से हैं, भाजपा के जिला महामंत्री हैं
सोनकर जी को काशी में पीएम के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। यानी दो ओबीसी, एक ब्राह्मण और एक दलित। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में ओबीसी और दलित का शामिल होना इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव को खत्म कर रहा है जो नैरेटिव पिछड़ों और दलितों को लेकर बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति दो ओबीसी और एक दलित को प्रस्तावक बनाकर अपना नामांकन भरने के लिए जा रहा हो, वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर सकता है क्या? ये आप सबके सामने है। यानी प्रस्तावकों से ही विपक्ष का सबसे बड़ा नैरेटिव खत्म हो गया। पीएम मोदी के चारों प्रस्तावक काशी के ही रहने वाले हैं क्योंकि प्रस्तावकों का स्थानीय वोटर होना जरूरी होता है। पीएम मोदी के चार प्रस्तावकों में से दो पंडित गणेश्वर शास्त्री और बैजनाथ पटेल नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहे। पंडित गणेश्वर शास्त्री पीएम मोदी के बगल में बैठे थे जबकि बैजनाथ पटेल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठे थे। नामांकन के बाद पीएम मोदी के प्रस्तावक बैजनाथ पटेल ने कहा कि बीजेपी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत होती है। सुनिए पीएम मोदी के प्रस्तावक को एक बार। बहुत खुशी हुई और ये तो हम मुझे याद है ही और मैं जानता ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। उसी लिहाज से आज जो 50 वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद एक मौका मिला भाग्य से कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बना, काफ़ी खुशी है। केवल हालचाल पूछे, बधाई दिए, इसके बाद अपना पर्चा भरा गया, वो अपने तरफ गए, हम अपने तरफ आए। चुनाव बाकी है, चुनाव 10 लाख के पार के लिए हम लोग सतत प्रयास रणनीति बनाए हैं। इसके अलावा अगर 2014 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों को अगर आप याद कीजिए तो 2014 में पीएम मोदी के प्रस्तावकों में पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज गिरधर मालवीय, पद्मभूषण से सम्मानित जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र, वीरभद्र निषाद जो मल्लाह हैं और अशोक जो बुनकर हैं, ये शामिल थे। यानी 2014 में पीएम मोदी ने दो ब्राह्मण और दो पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रस्तावक बनाया था। जबकि 2019 में नामांकन के दौरान पीएम मोदी के चार प्रस्तावक कौन थे? जगदीश चौधरी काशी के डोम राजा परिवार से, डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला बीएचयू के महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य, सुभाष गुप्ता जो 1957 से जनसंघ से जुड़े हुए हैं, और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामशंकर पटेल जो कुर्मी समाज से आते हैं। यानी 2019 में 5 साल के बाद जब फिर से पीएम मोदी ने काशी से नामांकन दाखिल किया था तो समीकरण बदले हुए थे क्योंकि 2019 में अखिलेश और माया का गठबंधन था। इसके तोड़ के लिए पीएम मोदी ने दलित, ओबीसी, ब्राह्मण और बनिया कॉम्बिनेशन से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के इंपैक्ट को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अपने मजबूत इलाके में भी सपा और बसपा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। पीएम मोदी के नामांकन की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी के नामांकन में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल थे। वहीं पीएम मोदी के नामांकन के दौरान एनडीए गठबंधन ने भी पूरी ताकत दिखाई। ये देखिए, पीएम मोदी के नामांकन के दौरान एनडीए में शामिल सारे दलों के नेता वहां दिखे। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्व से लेकर पश्चिम भारत, एनडीए के सारे दलों के नेता पीएम मोदी के नामांकन में आज शामिल हुए। एनडीए दलों के नेताओं से पीएम मोदी ने अलग से मुलाकात भी की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे थे, प्रफुल्ल पटेल थे, बिहार से चिराग पासवान आए हुए थे, जीतनराम मांझी थे, पशुपति पारस थे, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, दक्षिण भारत के मशहूर एक्टर और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, सब पहुंचे हुए थे। भाई, ये वो टीम है जिसकी मदद से पीएम मोदी 400 पार का टारगेट पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।